हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ रोहित मिड्डा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इनकम। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेशनल इनकम, देखिए नेशनल इनकम बेसिकली हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, इसका डेफिनेशन, इसका कंसेप्ट, इसका स्कोप, इसके मेथड्स, तो किस तरह से क्या आय होती है, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं और क्या क्या उसके मेथड्स होते हैं और क्यों हम कैलकुलेट करते हैं, क्यों ज़रूरी होता है इसको कैलकुलेट करना। तो देखिए, हर इंडिविजुअल की कुछ इनकम होती है, एवरी इंडिविजुअल हैज सम इनकम। तो उसी तरह नेशन की भी कुछ इनकम होती है, नेशन की भी कुछ इनकम होती है। तो वो नेशन की इनकम क्या होती है, बेसिकली वो नेशन की इनकम क्या होती है? तो देखिए, ये क्या होता है, ये होता है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। बेसिकली क्या होता है नेशनल इनकम, क्या होता है नेशनल इनकम, होता है एक साल में जो भी उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उनके शुद्ध मूल्य के योग को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं राष्ट्रीय आय क्या होती है, मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में उत्पादन के साधनों को दिए जाने वाले भुगतानों को ये बताती है, उसको ये दर्शाती है। तो बेसिकली सारे जो साधन होते हैं उनके भुगतानों के योग को ही हम राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सब का जो सम होता है उसको भी हम नेशनल इनकम कह सकते हैं। तो नेशनल इनकम के कुछ बेसिकली इसके कुछ कंसेप्ट हैं, इसके कुछ डेफिनेशंस हैं। इसका जो रियल मीनिंग आपको समझ आएगा वो इसके कंसेप्ट समझने के बाद आएगा कि एक्चुअल में नेशनल इनकम क्या होती है, कि जब क्योंकि जब हम बात करेंगे इसके कंसेप्ट क्या, कैसे इसको निकालते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा बेसिकली नेशनल इनकम हमारी क्या होती थी। तो हर इंसान की एक इनकम होती है, उसी तरह नेशन की भी कुछ इनकम होती है, तो डैट इज नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्यों ये ज़रूरी होती है, क्यों इसको निकालते हैं, तो इसको निकालने के भी काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। वन ऑफ द मेन रीज़न इज ग्रोथ, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारी ग्रोथ कितनी हो रही है, कंट्री ने कितना ग्रोथ किया है, उसको पता करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि अगर ग्रोथ बढ़ती है तो उसके काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं। क्यों, व्हेन द इनकम इंक्रीज, अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारी ग्रोथ भी बढ़ रही है, हम ग्रो कर रहे हैं। तो जब ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है, जब ग्रोथ बढ़ रही है तो क्या हो रहा है कि कंट्री के अंदर काफ़ी सारे सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। क्योंकि लेट अस सपोज एक इंडस्ट्री है, उसके अंदर क्या हो रहा है, ज़्यादा गुड्स बिकने शुरू हो गए, तो वो इंडस्ट्री क्या करेगी, ज़्यादा गुड्स उसको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी तो उसे ज़्यादा लेबर भी लेनी पड़ेगी, तो लेबर लेनी पड़ेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो इसी के चलते हुए एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है तो वो ऑलरेडी वो क्या करता है, वो इंडिविजुअल्स की इनकम को भी इंक्रीज करता है। तो इसी तरह से नेशनल इनकम का एक साइकिल चलता रहता है, इनकम का एक साइकिल चलता है, तो कंट्री के अंदर ग्रोथ का, एम्प्लॉयमेंट का, इन्फ्लेशन का ये साइकिल चलता रहता है, ये एक साइकिल अपने आप में रोटेट करता है। तो नेशनल इनकम बहुत ही मैंडेटरी स्टेप है इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेशनल इनकम को थोड़ा सा और डिस्कस कर। तो नेशनल इनकम का ये आइडिया इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, कब आया, तो देखिए इंडिया के अंदर सबसे पहले नेशनल इनकम का जो आइडिया था वो 1868 में दादा भाई नरोजी ने स्टार्ट किया था। दादा भाई नरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय, या फिर वी कैन कॉल्ड प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, इसको रिलीज किया था। तो 1868 में, उस साल अगर मैं बात करूँ तो पर कैपिटा इनकम 20 रुपये थी। देखिए पर कैपिटा इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम को अगर मैं पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूँ तो उसको हम बोलते हैं क्या, पर कैपिटा इनकम। कंट्री की जो पॉपुलेशन है उससे अगर मैं डिवाइड कर दूँ जितनी भी नेशनल इनकम होगी, तो बट वो जो पर कैपिटा इनकम जो 20 रुपये यहाँ दी गई, इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति की आय 20 रुपये, इट्स अ एवरेज वी कैन कॉल्ड। किसी की 20 से ज़्यादा भी है और किसी की 20 से कम भी है, बट एंड ऑन एवरेज पर कैपिटा इनकम इज ₹20। ये बेसिकली दर्शाया गया था, इन्होंने एक किताब लिखी थी दादा भाई नरोजी ने, उस किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब के जरिए इन्होंने बेसिकली ये सब दर्शाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद वर्तमान में क्या होता है, में क्या होता है, प्रेजेंट सिचुएशन में, अभी बेसिकली इंडिया के अंदर जो नेशनल इनकम का काउंटिंग है वो CSO करता है, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1951 में बना था। अब कंट्री के अंदर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ये काम करता है। उसके
बाद बात करें तो उसके बाद 1950 में NSS बना था, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे. ये बेसिकली CSO के साथ काम करता है, उसकी हेल्प करता है. उसके बाद वी कैन कॉल नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हेल्प करता है CSO की. तो सब मिलकर इंडिया की नेशनल इनकम रिलीज करते हैं. नेशनल इनकम, आई थिंक आपको नेशनल इनकम का डेफिनेशन समझ में आया होगा. नेशनल इनकम दादा भाई नौरोजी ने पहली बार निकाली थी, 20 रुपये आया था 1868 में. तो उसके बाद CSO करता काम, NSS, NSO ये सब काम करते हैं नेशनल इनकम को लेकर. तो बढ़ते हैं नेशनल इनकम के कंसेप्ट की तरफ. ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिकली ये जो नेशनल इनकम का कंसेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी इस नेशनल इनकम के कंसेप्ट के अंदर. चलिए आगे बढ़ते हैं नेशनल इनकम के कंसेप्ट की तरफ. तो नेशनल इनकम के कंसेप्ट के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP जिसको हम बोलते हैं. इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद. सकल घरेलू उत्पाद GDP, दैट इज वी कैन ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, इन एन इकोनॉमी, इन एन अनअकाउंटेड ईयर, इन ए अकाउंटेड ईयर, इन अ अकाउंटेड ईयर. बेसिकली वी कैन कॉल्ड अ ईयर और वी कैन कॉल्ड अ फाइनेंशियल ईयर. तो एक साल के अंदर कंट्री की बाउंड्री के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उनकी टोटल उनकी फाइनल मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, टोटल मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद. अब देखिए कंट्री की बाउंड्री की मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने इकोनॉमी शब्द यूज किया, कंट्री बाउंड्री शब्द यूज किया. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है डोमेस्टिक. देखिए एक डोमेस्टिक वर्ड यूज होता है और एक हम बात करने वाले नेशनल वर्ड की. डोमेस्टिक और नेशनल में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, और यहाँ पे एक वर्ड हमने ग्रोस यूज किया, इस ग्रोस वर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है. और मैंने कुछ शब्द और बोले, मॉनेटरी वैल्यू या फिर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये कुछ वर्ड है यहाँ पर जिनकी अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है. ये वर्ड यहाँ पर यू ही नहीं डाले गए हैं. तो सबसे पहले हम इन वर्ड्स के बारे में समझेंगे, ये वर्ड्स क्या है, बेसिकली किन चीज़ों की बात यहाँ पर हो रही है. तो देखिए गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती है. गुड्स क्या होते हैं, जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स. जैसे कि मैंने अपने इकोनॉमिक्स वाले फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, क्या 3 तरह के सेक्टर होते हैं हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है. सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, इंडस्ट्री सेक्टर. या फिर टर्शरी सेक्टर क्या होता है, सर्विसेज सेक्टर होता है. तो गुड्स क्या होती हैं, जो भी प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर से आती है उनको गुड्स बोल देते हैं, जो भी प्रोड्यूस हुआ, बेसिकली नॉट द रॉ मटेरियल्स. ठीक है, इसलिए यहाँ पर फाइनल गुड्स वाला शब्द यूज हो रहा है. तो गुड्स क्यों, गुड्स के अंदर तो बेसिकली रॉ मटेरियल भी आ जाता है. या फिर हम बात करें यहाँ पर किसकी, सर्विसेज की. अब सर्विसेज क्या होता है, बेसिकली बैंकिंग, इंश्योरेंस, या फिर टूरिज्म हुआ, या फिर ये टीचिंग हुआ जो मैं पढ़ा रहा हूँ. तो ये क्या है, सारी क्या है, सर्विसेज है. तो गुड्स एंड सर्विसेज और इनका मॉनेटरी वैल्यू. देखिए मॉनेटरी वैल्यू क्या होता है, मॉनेटरी वैल्यू वो बेसिकली वैल्यू किसी चीज़ का वैल्यू. देखो पुराने ज़माने में क्या होता था, पहले क्या होता था, जब पैसा नहीं होता तो क्या होता था, लोग सामान प्रोडक्ट्स में एक्सचेंज करते थे. जैसे किसी को दूध चाहिए, किसी के पास दूध है, और किसी को आटा चाहिए, व्हीट फ्लोर चाहिए, तो किसी के पास आटा है, तो वो क्या करते थे, आपस में एक्सचेंज कर लेते थे. बट उस टाइम पे काफ़ी दिक्कतें आती थी. क्या, अगर किसी को, लेट अस सपोज इस एक पर्सन है राम, राम के पास मिल्क है, और श्याम है, श्याम के पास क्या है, श्याम के पास व्हीट फ्लोर है. तो राम को क्या चाहिए, राम को व्हीट फ्लोर लेना है. तो राम ने श्याम से व्हीट फ्लोर मांगा, तो बदले में श्याम को भी कुछ मिलेगा राम से. तो राम के पास क्या है, मिल्क है, दूध है, बट श्याम को तो मिल्क चाहिए ही नहीं. तो उन दोनों में आपस में कोई ट्रेड, कोई एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि शाम को उस चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है. तो इस चीज़ में काफ़ी दिक्कत आती थी, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी. तो इसी के चलते हुए क्या हुआ, मनी का फॉर्मेशन हुआ, पैसा बनाया गया, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बदले में हम कुछ भी खरीद सकते हैं. अगर मेरी जेब में अगर कुछ पैसा है, उस पैसे से अगर मैं कुछ खरीद नहीं पा रहा, अगर उस पैसे से मार्केट में जाकर मैं कोई बिस्किट, कोई चिप्स अगर परचेज नहीं कर पा रहा हूँ, कोई गुड्स जो भी कंट्री के अंदर वैलिड है उसको अगर मैं नहीं परचेज कर पा रहा हूँ,
तो मेरी जेब में जो पैसा है वो महज एक कागज का टुकड़ा है और कुछ नहीं है, क्योंकि अगर उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो अगर मैं उससे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर पा रहा हूँ तभी वो उसकी मॉनेटरी वैल्यू है। तो मतलब कहने का मतलब वैल्यू जो है वो गुड्स और सर्विसेज की है, पैसे की नहीं है। वैल्यू जो है वो गुड्स और सर्विसेज की है, क्योंकि उसको लेने के लिए हमें कुछ देना पड़ेगा। तो वैल्यू यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज की है। तो यहाँ पर हमने बात की मॉनेटरी वैल्यू की। मॉनेटरी वैल्यू हर कंट्री का अपना एक डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू होता है। US में डॉलर है, UK में पाउंड है, इंडिया में रुपीज है। तो हम यहाँ पे इंडिया में रुपीज में बात करते हैं। इंडिया में हम किस में बात करते हैं? रुपीज में बात करते हैं, इंडियन रुपीज। तो यहाँ पर बात करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल वर्ड इसलिए यूज होता है क्योंकि रॉ मटेरियल एड ऑन नहीं होता। रॉ मटेरियल की बात हम GDP में नहीं करते हैं। रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थों की कीमत यहाँ पर एड ऑन नहीं की जाती। जैसे कि मैं बात करूँ, लेट अस सपोज इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो लेट अस सपोज 100 कार मैन्युफैक्चर हुई और एक गाड़ी की कीमत है 2 लाख रुपए। गाड़ी की कीमत है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख × 100, तो एक क्वांटिटी इंटू प्राइस, तो ये क्या आ जाएगा? मॉनेटरी वैल्यू। ये क्या हो जाएगा? मॉनेटरी वैल्यू मतलब कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से इंडिया में जो GDP का पार्ट आया। तो देखिए, बट उसी तरफ अगर मैं बोलूँ एक टायर, अगर मैं बोलूँ टायर, टायर बनाने वाली कंपनी ने 100 टायर बनाए। अब वो टायर, 100 टायर का प्राइस जो है वो GDP में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वो टायर तो गाड़ी में भी यूज हुए, एक कार में भी 4 टायर यूज किए गए, एक कार में भी 4 टायर यूज किए गए। अगर उन 100 टायर का प्राइस भी, अगर उन 100 टायर की वैल्यू भी GDP में यूज कर ली जाए, GDP में एड ऑन कर दी जाए, तो इससे तो डबल वैल्यू काउंट हो जाएगी, उससे तो डबल वैल्यू काउंट हो जाएगी। बट अगर वही टायर एज अ स्पेयर पार्ट, मेरे पास गाड़ी थी, बट मैंने क्या किया, मुझे एक्स्ट्रा टायर की जरूरत है, मुझे गाड़ी में टायर चेंज करवाने हैं, तो अब वो टायर मार्केट में आके एज अ स्पेयर में बिक रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट स्पेयर में आके बिक रहे हैं, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अगर स्पेयर में आके बिक रहा है, स्पेयर में आके अगर हम उसको खरीद रहे हैं, तो उसकी वैल्यू काउंट यहाँ पर होती है, उसकी वैल्यू यहाँ पर काउंट होती है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ इकोनॉमी इन अ ईयर, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर मैं कुछ और बातें इसके अंदर करूँ, कंट्री के अंदर क्या होता है, कंट्री के अंदर तो कुछ फॉरेन कंपनीज भी काम करती हैं, और कुछ इंडियन कंपनीज फॉरेन में भी काम करती हैं, अब फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में आकर काम कर रही है उनका पैसा तो बाहर जाएगा, वो इंडिया का पैसा तो है नहीं। अगर कोई फॉरेनर ने इंडिया में पैसा लगाया तो उसका पैसा तो बाहर जाएगा, और अगर किसी इंडियन ने फॉरेन में पैसा लगाया हुआ है तो उसका पैसा तो इंडिया का पैसा है। बट GDP में ये सब एड ऑन नहीं किया होता। GDP में अगर कोई फॉरेनर इंडिया में काम कर रहा है तो कंट्री की टेरिटरी के अंदर, अगर एक इकोनॉमी के अंदर वो काम कर रहा है, तो उसका पैसा उसी इकोनॉमी में काउंट होता है। लेट अस सपोज मुकेश अंबानी की अगर हम बात करें, मुकेश अंबानी के इंडिया में बिजनेस हमने देखा है, बट मुकेश अंबानी का फॉरेन में भी बिजनेस है। मुकेश अंबानी ने, लेट अस सपोज हम मान लेते हैं, उन्होंने उन्होंने क्या किया, मुकेश अंबानी ने क्या किया, उन्होंने US के अंदर एक होटल खोला, उनका एक होटल है, उस होटल से जो इनकम वो जनरेट करते हैं वो GDP में काउंट नहीं होगी, वो GDP में काउंट नहीं होती है। उस होटल से उनकी जो इनकम जनरेट हो रही है, क्योंकि वो क्या है, वो फॉरेन इनकम है, और GDP में हम किसकी बात करते हैं? डोमेस्टिक। देखिए डोमेस्टिक शब्द का मतलब क्या होता है, घरेलू, वी कैन कॉल, तो एक टेरिटरी के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर। तो अगर कोई फॉरेनर, अगर कोई इंडियन, इफ एन इंडियन ऑन एनी बिजनेस इन अदर कंट्री दैट इज नॉट एडेड टू द GDP, उसको हम GDP में ऐड नहीं करते हैं। और अगर किसी फॉरेनर ने इंडिया में पैसा लिया लगाया हुआ है तो उसको हम GDP में ऐड करते हैं, क्योंकि वो टेरिटरी के अंदर आ रहा है, उसको हम टेरिटरी के अंदर काउंट करते हैं। तो ये क्या था? GDP। और इसके अलावा कुछ डेप्रिसिएशन भी होती है, कुछ प्रोडक्ट्स का प्राइस, जैसे हम बात करें, एक प्रोडक्ट है जिसको आपने परचेज किया, लेट अस सपोज गाड़ी परचेज करी, आज वो गाड़ी 10 लाख की है, 2 साल बाद वो 8 लाख की है,
ठीक है, तो जीडीपी को हम एनुअली काउंट करते हैं, जीडीपी को हम ईयरली वी कैन कॉल्ड काउंटेड ईयर मैंने बोला। तो फाइनेंशियल ईयर इंडिया में होता है, तो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग मैंने गाड़ी अगर 2010-11 में खरीदी है तो 10-11 की जीडीपी के अंदर वो काउंट होगी। बट 2010-11 के बाद अगर मैं बात करूँ गाड़ी 2012-13 की, 2012-13 में तो उस गाड़ी की कीमत 8 लाख रह गई, 2 लाख रिड्यूस हो गया, बट जीडीपी में उसकी वैल्यू 10 लाख ही काउंट होती है। ठीक है, जीडीपी में उसकी वैल्यू 10 लाख ही काउंट होती है। चलिए, ये था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए, जीडीपी को हम दो पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी को हम दो पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, एक होता है फैक्टर कॉस्ट और दूसरा होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए बेसिकली जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन फैक्टर्स। तो देर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के फोर फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, द बेसिक कॉस्ट ऑफ मेकिंग एनी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो बेसिक कॉस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है अगर मैं बात करूँ, चार चार बेसिकली फैक्टर्स होते हैं, एक होता है रेंट, दूसरा होता है वेजेस, तीसरा होता है इंटरेस्ट और फोर्थ होता है प्रॉफिट। ठीक है, ये चारों चीजें जो होती है बेसिकली कैसे आता है? लैंड, सबसे पहले मैं बात करूँ लैंड की, एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या चाहिए? लैंड। अब लैंड का, उस लैंड का जो कंपनी है उसने रेंट पे भी लिया होगा तो ये उसको खर्चा है। उसके बाद आती है लेबर, अब लेबर प्रोडक्ट को बनाने में काम करेगी तो उसके जो वेजेस होंगे। उसके बाद कैपिटल, ठीक है, जो उसने पैसा लगाया उसको बनाने के लिए, तो उस पैसे के ऊपर कुछ खर्चा, उसको इंटरेस्ट भी हो सकता है। और उसके बाद होता है एंटरप्रेनर, मतलब जो कंपनी जिसको बना रही है उसका प्रॉफिट। तो बेसिकली चार तरह का खर्चा होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी को हम फैक्टर कॉस्ट पे भी कैलकुलेट करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस में क्या होता है? मार्केट प्राइस क्या होता है? किसी प्रोडक्ट के फैक्टर कॉस्ट के अंदर अगर मैं टैक्सेस को जोड़ दूं, अगर मैं टैक्सेस को जोड़ दूं, कौन से टैक्सेस? इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर मैं जोड़ दूं तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। बट ये इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं, मैं यहाँ पर बात करूंगा फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेस, फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेस। फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेस मैं इसलिए बोल रहा हूँ, या फिर वी कैन कॉल नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें से सब्सिडीज को निकाल दिया जाता है, इसमें से सब्सिडीज को निकाल दिया जाता है। हम प्रॉफिट भी ऐड ऑन कर लेते हैं, जो ट्रेडर्स का प्रॉफिट होता है, जो ट्रेडर्स ने बाद में प्रॉफिट कमाया, बट एक्चुअल में जीडीपी एमपी में, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ही ऐड ऑन किए जाते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये क्या होता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या हुआ? फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दूं, तो आई थिंक क्लियर होगा। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा था क्या? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम पहुंच गए ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट पे। पहले क्या पढ़ा था? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, अब पहुंच गए जीएनपी पे। जीएनपी को हम क्या बोलते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो यहाँ पर हम मतलब समझेंगे किसका? डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का डिफरेंस का, डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में क्या डिफरेंस था। देखिए बेसिकली जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। अब डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? एक टेरिटरी, एक इकोनॉमी। और नेशनल का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मैं जीडीपी में से, अगर मैं जीडीपी में से वो पर्सन, वो इंडियंस जिनका फॉरेन में बिजनेस है, जिनका फॉरेन में बिजनेस है, जो फॉरेन से पैसा जनरेट कर रहे हैं, तो उनकी उस फॉरेन इनकम को अगर मैं ऐड ऑन कर दूं, जैसे मैंने मुकेश अंबानी की बात की थी, उनका जो यूएस में होटल है उसके पैसे को भी अगर मैं जीडीपी में ऐड ऑन कर दूं, और वो फॉरनर्स जो इंडिया में रहकर पैसा कमा रहे हैं, वो फॉरनर्स जो इंडिया में रहकर पैसा कमा रहे हैं, उसके पैसे को अगर मैं निकाल दूं, उसके पैसे को अगर मैं निकाल दूं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो
नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का डिफरेंस क्या हुआ, नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का डिफरेंस क्या हुआ, अगर मैं डोमेस्टिक में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को निकाल दूं, अगर मैं डोमेस्टिक में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को निकाल दूं तो क्या बन जाता है मेरा, मेरा बन जाता है नेशनल, क्या जाता है हमारे पास नेशनल, वी कैन कॉल जीएनपी क्या होता है जीडीपी, जीडीपी में से अगर मैं क्या कर दूं, जीडीपी में से अगर मैं वो इनकम को निकाल दूं जो इनकम फॉरनर्स ने इंडिया से जनरेट करी और उस इनकम को ऐड कर दूं जो इंडियंस ने अब्रॉड से जनरेट करी, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं जीएनपी, और इसको हम क्या बोलेंगे जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आई कैन कॉल जो मेरा यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स और एम की अगर मैं बात करूँ, एक्स माइनस एम मेरा क्या बनेगा, एक्स माइनस एम को हम क्या बोल सकते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जीएनपी क्या होता है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जीडीपी में ऐड कर दिया क्या वो भारतीयों भारतीयों द्वारा अर्जित आय जो उन्होंने विदेशियों से विदेश से कमाई, और माइनस कर दिया क्या, सब्ट्रैक्ट कर दिया क्या विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई थिंक आपको ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फंडा क्लियर हो गया होगा, वो आपको क्लियर हो गया होगा। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में और जनरेट होता है, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन यहाँ पर एक जनरेट होता है, हमने जीडीपी पढ़ा, हमने जीएनपी पढ़ा, तो जीडीपी बढ़ा है या जीएनपी बढ़ा है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में जनरेट हो सकता है, जीडीपी बढ़ा है या जीएनपी बढ़ा है। तो जीडीपी और जीएनपी में बड़ा कौन है, ये डिपेंड करता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पे, नेट फैक्टर फ्रॉम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में, क्योंकि जो भारतीय विदेशों से पैसा कमा रहे हैं वो ज्यादा है या फिर जो फॉरनर्स इंडिया से पैसा कमा रहे हैं वो ज्यादा है, ये उस पर डिपेंड करता है जीडीपी और जीएनपी की वैल्यू। बढ़ते हैं आगे, बट मैं बात करूं यहाँ पर एक फैक्टर हमारे पास और आता है, लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था, उनमें से एक टाइप था क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। अब क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसमें कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं होता, जिसमें कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं होता, ना तो वो इंपोर्ट करते हैं ना वो एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तो मतलब कोई भी इंडियन फॉरन से कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ हम इम्पोर्ट तो कर नहीं सकते, बाहर रहकर हम पैसा तो कमा नहीं सकते क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो बाहर जाकर हम बिजनेस नहीं कर सकते, और कोई भी फॉरनर इंडिया से पैसा जनरेट नहीं कर रहा, तो जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होएगा वो क्या होएगा, वो जीरो होएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या मिलेगा, जीडीपी जीएनपी के बराबर है, इस कंडीशन में क्या मिलेगा, जीडीपी जीएनपी के बराबर है, क्योंकि ना तो एक्सपोर्ट हो रहा है ना ही इम्पोर्ट हो रहा है, तो इस कंडीशन में ना तो आयात है ना निर्यात है, तो इसी के लिए जीएनपी क्या होगा, जीडीपी के बराबर है, जीडीपी क्या है, जीएनपी के बराबर है। चलिए आगे, अब आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब देखिए शुद्ध घरेलू उत्पाद में क्या होता है, अब हम बात करेंगे वर्ड किसकी, देखिए डोमेस्टिक वर्ड की हमने पहले भी बात की, बट अब हम बात करेंगे ग्रॉस और नेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ग्रॉस और नेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मैंने आपको बताया जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन नहीं क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, घिसावट मूल्य, घिसावट मूल्य, डेप्रिसिएशन क्या होता है, घिसावट मूल्य। अब जीडीपी में से क्या होता है, डेप्रिसिएशन नहीं क्या होता, तो अगर उस डेप्रिसिएशन को मैं जीडीपी में से निकाल दूं, अगर उस डेप्रिसिएशन को मैं जीडीपी में से निकाल दूं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम किसको बोलेंगे, अगर मैं जीडीपी में से घिसावट मूल्य यानी कि डेप्रिसिएशन को निकाल दूं। कैसी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैसी, डेप्रिसिएशन कई तरह की होती है बेसिकली, लेट अस सपोज मैंने गाड़ी वाला एग्जांपल दिया था, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी गुड्स है, कोई भी अगर गुड्स है जिसका प्राइस, ठीक है, बेसिकली वियर एंड टियर की वजह से, एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन की वजह से किसी मशीनरी में, या फिर अप्रचलन वी कैन कॉल्ड, तो हो जाता है, मतलब उसके प्राइस में किसी भी तरह का चेंज हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है वो प्राइस, तो उस डेप्रिसिएशन को अगर हम जीडीपी में से निकाल दें,
गिरावट मूल्य को अगर निकाल दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एक साल में बेसिकली जो भी प्राइस में डिक्रीमेंट होता है, जो भी मशीन के प्राइस में कमी आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन या फिर मूल्यह्रास भी बोला जाता है, गिरावट मूल्य भी हम इसको बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो देखिए डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी बेसिकली वियर किसी भी तरह से हो सकता है, किसी भी तरह की गिरावट से हो सकता है। कोई बेसिकली गाड़ी खरीदी थी, उसके अंदर प्राइस डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, डेप्रिसिएशन हो गया। तो जीडीपी में वैल्यू ज़्यादा होती है, एनडीपी में वैल्यू कम हो जाती है। एनडीपी छोटा होता है हमेशा से जीडीपी से, एनडीपी कम होता है क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हो ही जाता है। तो डेप्रिसिएशन को अगर हम निकाल दें तो क्या होता है, एनडीपी। तो देखिए ग्रोस और नेट में क्या डिफरेंस हमने समझा। अब देखिए पहले हमने क्या समझा था, पहले हमने समझा था नेशनल और डोमेस्टिक के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर मैं डोमेस्टिक में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को एड ऑन कर दूं तो क्या होगा मेरे पास, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा नेशनल, मेरे पास क्या आ जाएगा, नेशनल। अगर मैं नेशनल में नेट इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिला दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक। तो उसी तरह से ग्रॉस और नेट के बीच में क्या डिफरेंस हुआ, अगर मैं ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को निकाल दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, नेट। मेरे पास कौन सी वैल्यू आ जाती है, नेट वैल्यू आ जाती है, मेरे पास क्या आ जाता है, नेट वैल्यू। क्योंकि ग्रॉस वैल्यू क्या होती है, टोटल वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू क्या होती है, टोटल वैल्यू। आपने मोटरसाइकिल खरीदा, आपने बाइक खरीदी थी, आज उसका वैल्यू 50,000 रुपये है, बट कुछ टाइम बाद, 4 महीने बाद उसका प्राइस 40,000 रुपये रह गया। तो जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे, नेट वैल्यू। बट ग्रॉस वैल्यू तो 50,000 थी, बट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, नेट वैल्यू क्या है, 40,000 रुपीज। तो नेट वैल्यू और ग्रॉस वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, तो यहां पर हम बात करेंगे जीएनपी की। अब जीएनपी क्या था, जीएनपी था जीडीपी में से अगर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को एड ऑन कर दूं, यानी कि भारतीयों द्वारा अर्जित विदेशों की आय को एड ऑन कर दूं और फॉरनर्स की इंडिया से जनरेटेड इनकम को मैं निकाल दूं, तो उसको हम बोल रहे थे जीएनपी। बट अगर मैं जीएनपी में से, डेप्रिसिएशन को निकाल दूं, अगर मैं डीएनपी में से डेप्रिसिएशन को निकाल दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एक्चुअल में नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही बोलते हैं भारत की एक्चुअल नेशनल इनकम। नेट नेशनल प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एक्चुअल में बोलते हैं क्या, नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम बेसिकली, अगर हम नेशनल इनकम को भी देखिए, हमने मैंने बात की थी कि हम इसको दो तरीके से निकालते हैं, एक फैक्टर प्राइस में निकालते हैं, एक मार्केट प्राइस में निकालते हैं। बट अगर हम नेट नेशनल इनकम को फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं, उसको हम बोलेंगे क्या, एक्चुअल नेशनल इनकम, एक्चुअली नेशनल इनकम हम उसको बोलेंगे। तो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, बेसिकली अब जीडीपी की अगर मैं बात करूं, बेसिकली मैं नेशनल इनकम की बात करूं, तो इसको कैलकुलेट करने के दो बेसिकली यहां पर जीडीपी के मेथड्स है। तो जीडीपी को हम दो वेज में देखते हैं, ठीक है, एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी। एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी। निकालते कैसे हैं वो बातें अलग है, बट किस वे में देखते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी होता है जब हम जीडीपी को करंट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। आज क्या कीमत है, आज क्या कीमत है, उस कीमत के ऊपर जब हम जीडीपी को निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस, सेम ईयर प्राइस, उसी प्राइस पे बेसिकली। अगर इस साल निकाल रहे हो तो इसी साल के प्राइस पे निकालेंगे, तो उसको क्या हम बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक कोई भी लेट अस सपोज कुछ गुड्स हैं, तो कुछ ईयर्स में उसको प्रोड्यूस किया गया, कुछ भी गुड्स ले सकते हैं। तो लेट अस सपोज 2012 में 100 क्वांटिटी
एप्पल ले लेते हैं, 100 एप्पल्स प्रोड्यूस किए गए तो एक एप्पल का प्राइस था 20 रुपीज, तो टोटल जो जीडीपी हुआ वो क्या हुआ एप्पल्स का 2000 रुपए, 2000 रुपीज। सिमिलरली 2013 में क्वांटिटी जो प्रोडक्शन थी वो बढ़ गई, वो 110 हो गई एप्पल, 110 एप्पल मिले और जो प्राइस था वो भी इंक्रीज हो गया, 22 रुपीज हो गया, तो टोटल वैल्यू क्या हुई 2420 रुपीज। उसी तरह से 2014 में 120 क्वांटिटी हो गई और जो प्राइस था वो भी बढ़ गया 2880, और 2015 में 130 क्वांटिटी हो गई, प्राइस भी इंक्रीज हो गया, हमने ले लिया 3380 रुपीज, जो टोटल वैल्यू है। हम क्या देख रहे हैं जो एप्पल का जो जीडीपी है ये करंट प्राइस पे आ रहा है, ये करंट प्राइस पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं वैल्यू में चेंजेस होते जा रहे हैं, हर साल जीडीपी इंक्रीज होती जा रही है क्योंकि प्राइस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्राइस तो देखिए बढ़ेगा, प्राइस तो बढ़ेगा क्योंकि मनी वैल्यू चेंज हो रही है, मनी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, तो प्राइस के मोस्टली बढ़ने के ही चांसेस होते हैं। वैसे अगर हम देखें दूसरा क्या था रियल जीडीपी, अब रियल जीडीपी क्या होता है जिसको हम कॉन्स्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम क्या देखते हैं कॉन्स्टेंट प्राइस, एक प्राइस जो 2012 में, अगर हम उसी एग्जाम्पल की बात करूँ 2012 में फिक्स किया था एप्पल का 20 रुपये, तो वो 20 रुपये ही हर साल चलेगा, उसी 20 रुपये के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा रियल जीडीपी। रियल जीडीपी की वैल्यू नॉमिनल जीडीपी से कम होती है, रियल जीडीपी की वैल्यू नॉमिनल जीडीपी से कम होती है। तो बेसिकली यहाँ कांस्टेंट प्राइस की बात होती है, तो कांस्टेंट प्राइस के लिए हमने एक बेस ईयर चूज किया होता है, उसी बेस ईयर के ऊपर, उस बेस ईयर में हमारे जो प्राइस होते हैं उसी प्राइस के ऊपर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, उसी प्राइस के ऊपर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए वैसे ही एग्जाम्पल, तो 2012 में 100 क्वांटिटी आई थी एप्पल की और प्राइस था 20 रुपये, तो 2000 प्राइस सेम है, प्राइस वही रहेगा 2012 हमारा बेस ईयर है, तो 20 रुपये मैंने अज्यूम किया है 2012 बेस ईयर, तो क्वांटिटी 100 थी, 110 हुई, 120 हुई, 130, बट प्राइस 20 ही रहेगा। तो हम क्या देख रहे हैं वहाँ नॉमिनल जीडीपी से इस रियल जीडीपी की वैल्यूज कम है, इसकी वैल्यू यहाँ पर कम दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेसिकली रियल जीडीपी को हम कैसे निकालते हैं, रियल जीडीपी को हम निकालते हैं जीडीपी ऑफ द करंट ईयर, वी कैन कॉल द नॉमिनल जीडीपी, उसके बाद बेस ईयर एंड उसके बाद प्राइस, करंट ईयर इंडेक्स। चलिए उसके बाद हमारे पास होता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, देखिए जीडीपी डिफ्लेटर होता है बेसिकली वी कैन कॉल नॉमिनल जीडीपी, अगर मैं नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड कर दूं और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूं प्राइस चेंजेस, गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस चेंज होता है उसको हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, उसको हम क्या बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट हमने बात की, करंट फैक्ट मेरा क्या कहता है, करंट फैक्ट कहता है इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे था, इस इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट ने बोला था इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट वो जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया दुनिया में है वो नॉमिनल जीडीपी की टर्म्स में, वो इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी है, तो उस नॉमिनल जीडीपी के अकॉर्डिंगली इंडिया की इकोनॉमी का जो साइज है वो है अप्रॉक्सीमेटली $2.94 trillion, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट और कहता है, एक IMF की रिपोर्ट कहती है, एक IMF की रिपोर्ट क्या कहती है, IMF की रिपोर्ट कहती है इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो हमने पढ़ा था इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट ये IMF की रिपोर्ट क्या कहती है, IMF की रिपोर्ट कहती है इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ट्रिपल पी। ये ट्रिपल पी का मतलब क्या होता है, तो ट्रिपल पी का मतलब यहाँ पर होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। तो ये क्या हुआ, ये तो कुछ नया शब्द आ गया, नया शब्द नहीं है भाई, हम बताते हैं ये क्या है, क्योंकि पहले हम देख लेते हैं इसकी वैल्यू। इंडिया की जीडीपी जो ट्रिपल पी की फॉर्म में है वो है अप्रॉक्सीमेटली $11.31 trillion। अब हम देख रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी हमने यहाँ डॉलर्स की फॉर्म में लिखी हुई है, भाई भारत में तो रुपया चलता है, इंडिया में तो रुपीज चलता है, हम तो जीडीपी को रुपीज में कैलकुलेट करते हैं, बट जब बात दुनिया में कंपैरिजन की आती है, दुनिया में अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल लेवल पे, जब इकोनॉमी कौन से देश की अर्थव्यवस्था, कौन से देश की इकोनॉमी बड़ी है, कौन से देश की जीडीपी ज़्यादा है, तो वो कंपैरिजन के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं कि किस जीडीपी में कहाँ की जीडीपी आ रहा है, तो हम रुपये या चाइना, क्योंकि हर कंट्री की करेंसी डिफरेंट है,
चाइना की करेंसी की बात करें, इंडिया की करेंसी की बात करें, यूएस की करेंसी की बात करें, जापान की करेंसी की बात, सबकी करेंसी डिफरेंट है, तो सबकी वैल्यू भी डिफरेंट रहेगी, सबकी वैल्यू भी डिफरेंट आएगी क्योंकि सब अपने आप में बड़े। अब रुपीज़ की वैल्यू एक वन यूएस डॉलर इज अप्रोक्सीमेटली 70 रुपीज, मैं मान लो 70 रुपये है, ठीक है, तो यूएस के 10 डॉलर, इंडिया का 700 रुपया, इंडिया का 700 रुपया, तो इस अकॉर्डिंगली इंडिया की जीडीपी बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर हम रुपीज़ के टर्म्स में देखें और यूएस की डॉलर्स की एज कंपेरिजन करें तो। पर दोनों में प्राइस डिफरेंस भी तो है, तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर एक्सचेंज वैल्यू होती है, यहाँ पर एक्सचेंज किया जाता है। तो एक्सचेंज की जब हम बात करते हैं तो एक्सचेंज में हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की और जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी की। तो नॉमिनल जीडीपी अगर मैं बात करूँ नॉमिनल जीडीपी की, तो नॉमिनल जीडीपी डॉलर के फॉर्म में जब हमने एक्सचेंज किया तो वो है 2.94 ट्रिलियन डॉलर्स पूरे वर्ल्ड में। बट अगर मैं बात करूँ परचेजिंग पावर पैरिटी में, ये तो बहुत ज़्यादा है भैया, अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स। तो ये कैसे इतना बढ़ गया, ये 4 टाइम्स कैसे इतना बढ़ गया, तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, ये परचेजिंग पावर पैरिटी होता ही क्या है, तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। तो बेसिकली परचेजिंग पावर पैरिटी ये डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, ये डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। फॉर एग्जांपल मैंने घर किराए पे लिया, मैंने घर किराए पे लिया लेट अस सपोज मुंबई में, तो मुंबई में उस घर को किराए पे लेने की कीमत, उस घर का किराया कुछ होगा, और वही वैसा ही घर अगर मैं चाइना में जाकर या यूएस में जाकर लूँ तो वहाँ पर उसकी कीमत, वहाँ पर उसका जो किराया है वो कुछ अलग होगा। तो डेवलप्ड कंट्री या बड़ी कंट्री से तो ज़्यादा ही होगा। अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करूँ तो एज़ कंपेरेटिव टू इंडिया उनके अंदर वो कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा महंगा है, और अगर मैं बात करूँ अफ्रीकन कंट्रीज़ की तो उनमें सस्ता है, उनमें कम है। तो वैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट अस सपोज एक चाय का कप न्यूयॉर्क में यूएसए में एक चाय का कप की कीमत है $1, $1 में मिलता है एक चाय का कप, बट इंडिया में तो उसकी कीमत सिर्फ 10 रुपये है। और अगर आप देखें, अगर मैं करंट में एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना चाहूँ तो एक डॉलर का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 70 रुपये तो है, तो 70 रुपये के उस डॉलर के अकॉर्डिंगली इंडिया में तो उस $1 में मैं 7 कप चाय के खरीद लूँगा, इंडिया में उस डॉलर में एक यूएस डॉलर में मैं तो 7 कप चाय के खरीद लूँगा। तो हम कह सकते हैं अगर मैं चाय के कप की अगर मैं प्रोडक्ट से कंपैरिजन करूं, तो एक यूएस डॉलर इंडिया में किसके बराबर है, 10 रुपए के बराबर है, इंडिया में किसके बराबर, 10 रुपए के बराबर। अगर मैं प्रोडक्ट के वे में कंपैरिजन करूं तो, अगर मैं चाय के वे में कंपैरिजन कर रहा हूं तो एक यूएस डॉलर की वैल्यू इंडिया में क्या है, टी की फॉर्म में चाय की अकॉर्डिंगली सिर्फ 10 रुपए, सिर्फ 10 रुपए, क्योंकि यूएस में वही चाय का कप 70 रुपए का मिल रहा है, इंडिया में वही चाय का कप 70 रुपए में 7 मिल रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं 70 को 7 से डिवाइड कर दूंगा तो चाय के कप की कीमत 10 रुपए है, तो मतलब एक यूएस डॉलर किसके बराबर हुआ, 10 रुपए के बराबर हुआ एज इन द टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। उसी तरह से सभी प्राइस का डिफरेंट, सभी प्रोडक्ट्स का डिफरेंट प्राइस होता है, खाने की चीज़ों का अलग है, मोबाइल फोन्स का अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग से है, सभी प्रोडक्ट्स का अलग प्राइस है, सभी प्रोडक्ट्स का परचेजिंग पावर पैरिटी अलग होता है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में यूएस चाइना जैसी कंट्रीज में जो महंगाई ज़्यादा है वहाँ पर प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो इसके चलते हुए इंडिया का जो जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी की फॉर्म में है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो नॉमिनल जीडीपी के टर्म पे है, बट इंडिया दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एंड परचेजिंग पावर पैरिटी। अगर मैं बात करूँ नॉमिनल जीडीपी के टर्म में, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो पहले चार कौन से, सबसे पहला है यूएसए, दूसरा है चाइना, तीसरा है जापान, चौथा है जर्मनी और 5th है इंडिया। और अगर मैं बात करूँ परचेजिंग पावर पैरिटी की, तो परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है चाइना, और दूसरे नंबर पे आता है यूएस, और तीसरे पे आता है हमारा भारत देश इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। तो क्योंकि ऐसे सारे प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पर काउंट करते हैं, बट सारे प्रोडक्ट्स नहीं हो पाते, इट्स नॉट अ इफेक्टिव मेथड, सारे प्रोडक्ट्स नहीं हो पाते क्योंकि कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में मिलते हैं वो यहाँ वहाँ मिलते ही नहीं है,
जैसी भी चीजें होती हैं, जो ये एक IMF का एक एग्जांपल है, GDP इन द ट्रिपल फी फॉर्म 2019 का ये रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं इंडिया की जो बेसिकली यहाँ पर 2019 में GDP है ट्रिपल पी की फॉर्म में, वो है 11,325.670 डॉलर्स, ये बेसिकली यहाँ पर वैल्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं GDP को कैलकुलेट करने की। तो देखिए GDP को बेसिकली मेजर करने की हम बात करते हैं, कंप्यूट करने की बात करते हैं, तो GDP को कंप्यूट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है बेसिकली, द प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्शन मेथड, वी कैन कॉल वैल्यू मेथड भी बोला जाता है इसको, उसके बाद है इनकम मेथड और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीन मेथड से हम इंडिया में मेजरिंग करते हैं किसकी, नेशनल इनकम की और GDP की। तो ये तीन मेथड है। अब इन तीन मेथड्स को अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ, अगर मैं इन तीन मेथड्स को डिफरेंस करना चाहूँ तो डिस्कस करना चाहूँ तो सबसे पहले मेरे पास है प्रोडक्ट मेथड, वी कैन कॉल प्रोडक्शन मेथड और वी कैन कॉल वैल्यू एडेड मेथड। ये वैल्यू एडेड मेथड क्या है, ये वैल्यू एडेड मेथड क्या है, तो देखिए वैल्यू एडेड मेथड क्या कहता है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इन प्राइमरी सेक्टर। मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले कि तीन तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और टर्शरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर क्या है, एग्रीकल्चर, सेकेंडरी क्या है मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा टर्शरी क्या है सर्विसेज सेक्टर। तो इन तीनों सेक्टर से जो भी हमारे पास जो भी मेरे पास नेट वैल्यू एडेड होती है, जो भी नेट वैल्यू एडेड होती है फैक्टर कॉस्ट पे, फैक्टर कॉस्ट पे, तो इन तीनों को ऐड कर लेना है। उसके बाद इसमें डेप्रिसिएशन भी ऐड कर लेना है। देखिए मैंने आपको बताया था नेट और ग्रोस के बीच का डिफरेंस क्या होता था, नेट में अगर मैं डेप्रिसिएशन को ऐड ऑन कर दूँ तो वो बन जाता है ग्रोस, ग्रोस में से अगर मैं डेप्रिसिएशन को निकाल दूँ तो वो बन जाता है नेट। तो अगर हम यहाँ पर नेट वैल्यू एडेड नहीं ले रहे हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ग्रोस वैल्यू एडेड लेना पड़ेगा। अगर हम ग्रोस वैल्यू एडेड नहीं ले रहे हैं, नेट वैल्यू एडेड ले रहे हैं, तो लास्ट में हमें डेप्रिसिएशन ऐड ऑन करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऐड ऑन करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं बात करूँ, मैंने आपको बताया था फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच का क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड ऑन कर दूँ तो वो मेरा क्या बन जाता है, वो मेरा बन जाता है मार्केट प्राइस। तो आई कैन कॉल जीडीपी एट मार्केट प्राइस इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ट्रस्टी सेक्टर। आई कैन कॉल ग्रोस वैल्यू एडेड, मैं क्या बोल सकता हूँ, ग्रोस वैल्यू एडेड। तो बेसिकली लेट अस सपोज एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ है, एक प्रोडक्ट के ऊपर जो MRP है वो 50 रुपीज़ है, जो सेलर है उसने 50 रुपये का बेचा, बट उसको पड़ा कितने का था, उसका जो होलसेल प्राइस था वो कितना था, वो था सिर्फ 20 रुपीज़। तो उसको कॉस्ट कितनी थी, सिर्फ 20 रुपीज़। 30 रुपीज़ क्या हुआ, 30 रुपीज़ उसको क्या मिला, 30 रुपीज़ उसने प्रॉफिट था उसका। तो 30 रुपीज़ हमारे पास क्या आएगा, 30 रुपीज़ हमारे पास आएगा वैल्यू एडेड। 30 हमारे पास क्या आ रहा है, वैल्यू एडेड, जितना वैल्यू ऐड हो रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेट वैल्यू एडेड। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर से, इस तरह जितना भी वैल्यू ऐड होगा, नेट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट पे होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद सिमिलरली एज सेकेंडरी सेक्टर, सिमिलरली टर्शरी सेक्टर, और इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड ऑन कर देंगे और उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी ऐड ऑन कर देंगे, और ये हमारे पास क्या कैलकुलेट होगा, ये हमारे पास होगा GDP एट मार्केट प्राइस। द नेक्स्ट मेथड इज इनकम मेथड। अब इनकम मेथड में क्या होता है, बेसिकली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की अगर मैं बात करूँ, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं बेसिकली उनका जो भी इनकम होता है, जो भी उनको बेनिफिट्स मिलते हैं PF वगैरह सब कुछ मिलाकर, ठीक है, तो ये होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। उसके बाद मिक्सड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो भी बाकी के एम्प्लॉयज होते हैं, बाकी का जो पैसा रह गया, जो भी व्यापारी होते हैं, वो सब मिक्सड इनकम हो गया। उसके बाद जो रेंट इनकम होती है या फिर इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट होता है, रॉयल्टी होती है, इन सब चीज़ों को अगर मैं ऐड ऑन कर दूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, ये मेरे पास आ जाता है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें मैं डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगा, डेप्रिसिएशन को ऐड करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा ग्रोस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। और इसमें जब मैं नेट डायरेक्ट टैक्सेस को ऐड ऑन कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रोस वैल्यू एडेड एट
मार्केट प्राइस, दैट इज ऑल्सो नोन एज GDP एट मार्केट प्राइस। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं GDP एट मार्केट प्राइस। तीसरा मेथड जो मेरे पास है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरा मेथड जो मेरे पास है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड की अगर मैं बात करूँ, इसमें क्या है, जो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, प्राइवेट सेक्टर में जो भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है उसको ऐडअप करना, उसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है उसको ऐडअप कर लीजिए, और गवर्नमेंट जो परचेजिंग करती है, बेसिकली गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें बेसिकली जो खर्चा होता है, जो पैसा आता है, उसको ऐडअप कर लीजिए, और उसके बाद नेट इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट एक्सपोर्ट्स जो होता है, बेसिकली एक्सपोर्ट क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट क्या होगा, जब मैं इंडिया, बेसिकली आई कैन कॉल्ड एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, आई कैन कॉल्ड एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, तो जो भी एक्सपोर्ट होगा उस सबको मिलाकर उन सबकी जो टोटल वैल्यू आएगी, इसको हम क्या बोलते हैं, GDP एट मार्केट प्राइस। तो ये तीन मेथड है GDP को मेजर करने के लिए। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मैंने पहले भी बताया, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम होता है नेशनल इनकम को अगर मैं पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूँ, नेशनल इनकम को अगर मैं पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूँ तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। पर्सनल इनकम की अगर मैं बात करूँ, पर्सनल इनकम क्या होता है, पर्सनल इनकम होता है नेशनल इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स को निकाल देना, अनडिस्ट्रीब्यूट कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को निकाल देना, बेसिकली जो भी कंपनी प्रॉफिट्स नहीं दे पा देती है, बेसिकली जो भी वी कैन कॉल रॉयल्टी का कुछ हिस्सा होता है या कुछ भी, या फिर सोशल सिक्योरिटीज कॉन्ट्रीब्यूशन को निकाल दे, और ट्रांसफर पेमेंट्स को ऐड ऑन कर ले। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है, PF या DA वगैरह, इन सबको ऐड ऑन कर ले, तो ये हमारे पास क्या जाता है, पर्सनल इनकम। उसके बाद होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, अगर मैं पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस को निकाल दूँ, जो डायरेक्ट टैक्सेस उस पर्सन ने पे ऑफ किए, इनकम टैक्स हुआ, कॉर्पोरेट टैक्स हुआ, इन सबको अगर मैं निकाल दूँ, और साथ ही मैं निकाल दूँ गवर्नमेंट मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, बेसिकली गवर्नमेंट जो सेस वगैरह लेती है, जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेती है, सरचार्ज हो गया, इन सबको अगर मैं निकाल दूँ, तो ये मेरे पास क्या जाता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया है नेशनल इनकम, जिसमें हमने डिस्कस किया है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में बेसिकली सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसके बारे में। आपको जो भी डाउट है, जो भी आपको समझ इसमें नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में मुझे उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।